दोस्तों बॉलीवुड के एक्शन किंग अजय देवगन और रोमांस किंग शाहरुख खान दोनों ही बॉलीवुड के स्टार हैं। एक ने अपने एक्शन से सभी का दिल जीता तो दूसरे ने अपने रोमांटिक अंदाज से लोगों के दिलों में जगह बनाई। अब तक केवल ये दोनों ही लोगों के बीच छाए हुए थे, पर अब शाहरुख खान की बेटी सुहाना और अजय देवगन की बेटी न्यासा भी अपने पिता की तरह खूब तारीफें बटोरती है या आए दिन अपने ड्रेसेस को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है तो कभी अपने मेकअप को लेकर। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं इन दोनों में से अमीर और बेस्ट कौन है? तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको सुहाना और न्यासा की लाइफस्टाइल से रूबरू करवाएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं दोनों में बेस्ट कौन है तो वीडियो के एंड तक बने रहना, और हाँ इन सुपरस्टार की बेटियों के लिए वीडियो लाइक तो कर दो। शुरुआत करते हैं रोमांस किंग शाहरुख खान की बेटी सुहाना से, जो अभी 19 साल की है और धीरूभाई अंबानी स्कूल में पढ़ाई कर रही है। बेशक ही 19 साल की है लेकिन इनके शौक किसी बड़ी हीरोइन के जैसे ही है, इसलिए आए दिन अपने फैशन फ्रीक को लेकर सुर्खियों में छा रहती है। इन्हें ड्रेसेस का बड़ा शौक है, इनके पास एक से बढ़कर एक डिजाइनर ड्रेसेस है आपको देखने को मिल जाएंगी जो काफी महंगी है। इन्होंने द न्यू ईयर पर एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी, उस पर ड्रैगन बना हुआ था। उस ड्रेस की कॉस्ट आपको पता है कितनी थी? उस ड्रेस की कीमत थी 2.9 लाख रुपए। ये पहली बार नहीं था कि इन्होंने इतनी कॉस्टली ड्रेस पहनी हो। इससे पहले भी जब अपनी मम्मी की डिजाइन किए हुए होटल की ओपनिंग थी तो वहां ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी थी जिसकी कीमत 60,000 रुपये थी। इतना ही नहीं, इनके पास 50,000 की केवल एक टी शर्ट है। सच में काफी खर्चा करती है। अपने ड्रेसिंग सेंस पर ड्रेसेस के अलावा ये दो और चीजों के लिए सुर्खियों में छाई रहती है, वो है इनकी कॉस्टली शूज और हैंडबैग्स, जिनके हर शूज की कीमत हजारों में होती है। यहाँ हम 250-200 रुपए के जूतों में काम चला लेते हैं, वहीं ये 65,000 के जूते पहनती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जब अपने पिता के साथ आईपीएल मैच देखने गई थी तो वहां इन्होंने जेनिफर स्नीकर्स ब्रांड के व्हाइट कलर के शूज पहने थे जिस पर गोल्डन स्ट्रिप्स थी। इन जूतों की कीमत 65,000 रुपए थी। और इनके एक और ब्लैक कलर के शूज सेंट लॉरेंस ब्रांड के हैं जिसकी कीमत 83,000 रुपए है। अब बात है इनके हैंडबैग्स की। इनके पास जितने भी हैंडबैग्स हैं सारे ब्रांडेड हैं। वर्तमान में जिस बैग को लेकर चर्चा में है वो है जिमी चू का बैग जो येलो कलर का है। इस छोटे से बैग की कीमत है 3.5 लाख रुपए। सच में किंग खान की बेटी राजकुमारी की जिंदगी जीती है भाई। अब बात करते हैं सबके फेवरेट अजय देवगन की बेटी न्यासा देवगन की, और धीरूभाई अंबानी स्कूल में पढ़ाई कर रही है। बेशक ये अभी 16 साल की है लेकिन इनकी लाइफस्टाइल बड़ी लग्जरी है। ये एक फिटनेस फ्रीक भी है और अपनी फिटनेस पर काफी ध्यान देती है। ये रोज सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट लेती है जिसमें ओट्स और कई तरह के फ्रूट्स शामिल होते हैं जो विदेश से आते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद ये जाती है तैयार होने। बता दें इनके ड्रेसेस काफी महंगे होते हैं, इनके पास एक से बढ़कर एक कई कॉस्टली ड्रेसेस है। साथ इनके पास कई ब्रांडेड शूज भी हैं जिनमें जिमी चू, ड्रेस बेरी और कैल्विन क्लेन जैसे ब्रांड शामिल है। पर इनकी एक अच्छी आदत है, ये अपनी ड्रेसेस का अच्छे से यूज करती हैं और जो ड्रेस नहीं पहनती है उन्हें गरीबों में दान दे देती है। ये अपनी मम्मी की तरह पैसों का गलत यूज नहीं करती बल्कि बहुत ही एहतियात से पैसे खर्च करती है, क्योंकि इन्हें पता है इनके पिता कितनी मेहनत करते हैं एक एक पैसे को कमाने में। ये सुहाना की तरह नहीं है जो अपने पिता के पैसों को बेफजूल खर्च करती है, वो भी अपने कपड़ों और जूतों पर। इनकी यही आदत सबको बड़ी अच्छी लगती है। यूं ही नहीं, ये बाकी स्टार से अलग है। आपको बता दें ये अपने पिता को अपना आइडियल मानती है और बड़ी होकर अपने पिता की तरह सक्सेसफुल होना चाहती है, उन पैसों से लोगों की मदद करना चाहती है। सच में इनके जैसा कोई स्टार किड है ही नहीं जो इनसे मुकाबला करने की हिम्मत रखता हो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इन दोनों में से बेस्ट कौन हुआ? अपनी राय कमेंट में दे दो और बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।